हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है शकरकंदी की चाट बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं शकरकंदी की चाट बनाने के लिए। हमने ये चार शकरकंदी ली हैं और ये हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे और शकरकंदी को हम उबालने के लिए रख देंगे। हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे शकरकंदी को उबलने के लिए। इसे हम 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे जिससे कि हमारी शकरकंदी अच्छे से उबल जाए। ये चेक करते हैं हमारी शकरकंदी उबली है या नहीं। ये हमारी शकरकंदी अच्छे से उबल चुकी है। देखो कितनी बढ़िया उबली है। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसको शकरकंदी को छील लूंगी। उबल चुकी है हमारी शकरकंदी। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में ही उबाली है शकरकंदी को। इस बाउल के अंदर रख लूंगी। इसे मैं अपनी सारी शकरकंदी को छील लूंगी। ये हमारी शकरकंदी छिल चुकी है। ये पीसेस में कट कर लूंगी। मुझे इतने मोटे पीसेस चाहिए थे चाट के लिए। मैं अपनी सारी शकरकंदी को कट कर लूंगी। ये है हमारी शकरकंदी। शकरकंदी के लिए कुछ मसाले लिए हैं। ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा लिया है। ये आधी चम्मच काली मिर्ची ली है और ये हमने सफ़ेद नमक लिया है आधी चम्मच और आधी चम्मच हमने काला नमक लिया है। अब हम इसको सारों को इसमें मिक्स कर देंगे। हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये हम इमली की चटनी डालेंगे। ये इमली की चटनी मैंने घर पर ही तैयार कर रखी थी। अब ये चटनी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। बाउल में सर्व करूंगी। भिंडी की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। इस पे हम थोड़ी सी इमली और डाल देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।